खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाना माना चेहरा एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवहाड़ चव्हाण का भी है। उद्धव सरकार में मंत्री बनेंगे जितेंद्र अवहाड़। गणेश ठाकुर ने उनसे बात की। हमारे साथ एनसीपी के बड़े नेता डॉक्टर जितेंद्र अवहाड़ हैं, जिनको दोबारा से मंत्री पद इस बार दिया गया है, कैबिनेट मंत्री दर्जा उनको दिया गया, ऐसी जानकारी है। मेरे साथ खुद जितेंद्र अवहाड़ हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन हमारी तरफ से और शुभकामनाएं। आगे सरकार में रहना है, चलाना है। पहली प्रतिक्रिया, आपके कुछ पोस्टर्स में देख रहा था आते वक्त, कार्यकर्ताओं ने आपके लगाए थे, जिसमें यह कहा था कि जो आपने एक निष्ठा, जो पार्टी के प्रति आपने निष्ठा दिखाई, बिना किसी स्वार्थ के काम किया, उसका आज आपको एक तरह से फल मिला है। ऐसा है कि कार्यकर्ताओं की मनोभावना के कारण ही हम यहां तक पहुंचते हैं। ये कोई अकेला जितेंद्र अवहाड़ का काम नहीं है। कार्यकर्ता पीछे खड़ा रहता है, कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है और जनता तक पहुंच के वो जितेंद्र अवहाड़ को बनाता है। तो उन्होंने क्या पोस्टर्स लगाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी लगाया ठीक लगाए। आखिर में लॉयल्टी को बहुत ज्यादा महत्व है। मुझे मालूम है आज के राजनीति में उसका क्या गणित है, लेकिन मेरे दिल में अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि निष्ठा को कोई पर्याय ही नहीं होता है। आप निष्ठा ना तो बेच सकते हो, आप विचारधारा से निष्ठा रखते हो, आप नेता से निष्ठा रखते हो, तब आपके आंखों में एक अंगार होता है और वो अंगार सब कुछ कह देता है। आपको कभी शर्म नहीं आती है। और मुझे लगता है कि पिछले 32 सालों से मैं सांप के साथ रहा हूं, सांप के साथ ही रहा हूं। पिछले 32 सालों से शिवाजी शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा से निष्ठा रखा हूं, अंबेडकर गांधी को मानते आ रहा हूं और इसमें कभी भी मैंने एक इंच भी इधर उधर नहीं किया।